सब्जेक्टिव शीट नंबर 32 में क्वेश्चन है, अ बॉडी वेइंग 0.5 केजी टाइड टू अ स्ट्रिंग इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। ये 10 की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और वो वर्टिकल सर्कल में उसे घूमना शुरू कर दिया। सबसे पहली चीज सुन लो, माइंड में हमेशा क्वेश्चन में यही आएगी कि क्या ये वेलोसिटी मिनिमम है। उसने बिल्कुल नहीं बोला क्वेश्चन में मिनिमम है, मिनिमम वर्ड यूज भी नहीं हुआ। इसको गलती से अंडर रूट ऑफ 5 RG पुट नहीं करना। समझ में आ रहा है यहां तक? रूट 5 RG कभी नहीं पुट करना, अगर मिनिमम हो फिर करना। तो ये सिंपल वेलोसिटी है। तो बॉडी स्टार्ट वर्लिंग इन अ वर्टिकल सर्कल, रेडियस आपको गिवन है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज एट टॉप ऑफ द सर्कल। मेरे को एक चीज का आंसर दो इस क्वेश्चन से पहले। अगर मैं यहां पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर देना प्लीज। अगर मैं ये बोल देता कि ये मेरी मिनिमम वेलोसिटी है, तो बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होती? तो यहां टेंशन क्या हो जाती? जीरो। डेरिवेशन याद की होगी कि अगर मिनिमम का केस तभी आता है जब टेंशन क्या एज्यूम की जाती है? जीरो। तो फिर क्वेश्चन कहां से बनता? तो अगर ये टेंशन पूछ रहा है, इसका मतलब अब ये मिनिमम वेलोसिटी बिल्कुल भी नहीं है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है, नहीं तो आंसर जीरो ना हो जाता। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पहले वेलोसिटी निकाल लें। तो इसे ग्राउंड मान लें, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इक्वेट कर दें। ग्राउंड पे पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक कितनी है? 1/2 mv² है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक 1/2 mv² है और पोटेंशियल mg इंटू 2 × 0.8 है। आप इन्हें इक्वेट करें, इक्वेट करके वी ना निकालें, वी स्क्वायर निकाल लें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आगे वी स्क्वायर चाहिए होगा। तो आप इन्हें इक्वेट करें, इक्वेट करके वी स्क्वायर आ रहा है 68, चेक कर लें। इन्हें इक्वेट करके वी स्क्वायर 68 आ रहा है। यहां तक क्लियर है? तो आप यहां वी स्क्वायर निकाल लें। अब देखो वी स्क्वायर आ गया, आपको टेंशन कहां निकालनी है? एट टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कहां होती है? टुवर्ड सेंटर। वेट भी कहां होता है? टुवर्ड सेंटर। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या बनी? T+mg। तो नेट फोर्स T+mg, तो T+mg ही सेंट्रीपिटल है, तो T+mg इक्वल टू mv² / r। तो T+mg को क्या पुट करेंगे? mv² / r। वी स्क्वायर की वैल्यू 68 ऊपर से नीचे पुट कर दें। मास आपको पता है, मास आपको पता है, रेडियस आपको पता है, टेंशन निकाल लें, टेंशन 38.5 आ रही है। फिर से ये आपको वी स्क्वायर आ गया। हमने डेरिवेशन की थी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, याद करो वर्टिकल सर्कल की डेरिवेशन थी। टॉप के ऊपर डायग्राम क्या बनता है? टेंशन तो टुवर्ड सेंटर होती है, वेट तो है ही नीचे की तरफ, तो सेंटर की तरफ टोटल फोर्स क्या है? T+mg, और यही सेंट्रीपिटल है, T+mg mv² / r। तो यहां से टेंशन निकाल लें। बुक्स में इसका आंसर ये नहीं दिया हुआ 38.5, मैंने काफी जगह चेक किया, इसका आंसर दिया है 3.8। और मैं थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा यार दोबारा कर लेता हूं सॉल्व, शायद मेरे से गलती होगी। फिर आंसर यही आया। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, 2-3 साइट सर्च की, उन्होंने भी आंसर 3.8 दिया हुआ है। अब मैं और कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये तो पक्का ही गलत हो गया मेरे से कुछ। तो मैंने उनके सॉल्यूशन को जब चेक किया, उन्होंने इसको वेलोसिटी को √5 RG लिया हुआ है, जो कि नहीं है, गलत है, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी है ही नहीं। तो हर कोई √5 RG करेगा, तो फिर तो मिनिमम वेलोसिटी के साथ तो क्वेश्चन है ही नहीं है, तो ये गलत है, जिसका आंसर यही होगा। और वैसे भी फिर मैंने अपने मन से पूछा कि चलो ये √5 RG ले लेते हैं, तो फिर तो उसको मिनिमम टेंशन जीरो तो नहीं चाहिए थी, इसका मतलब गड़बड़ है। तो टेंशन जीरो भी नहीं दे रहा और टेक्निक भी ये यूज कर रहा है, तो यही आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना यहाँ तक? लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर कोई इसको सर्च करेगा तो इसका आंसर कुछ ऐसा सोल्यूशन गिवन होगा, पर मेरे हिसाब से ही ऐसा होना चाहिए। और अब मुझे टेंशन कहाँ निकालनी है? एट बॉटम। बॉटम का आंसर सही है। बॉटम के आंसर में क्या करेंगे? बॉटम पे याद है वर्टिकल सर्कल में टेंशन कहाँ है? टुवर्ड सेंटर। वेट कहां पर है? नीचे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां होनी चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की तरफ नेट फोर्स बोलो क्या है? T-mg। तो T-mg = mv² / r। तो आपको v पता है, v तो इसमें गिवन ही है 10,
वी पता है, एम पता है, आर पता है, सब कुछ पता है, टेंशन निकालो कि बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। 38.5, अच्छा 37, इसको सॉल्व करके, हाँ ओ सॉरी 37.5 राइट, 37.5 राइट। अच्छा दिख भी रहा है 42 में से माइनस करके, ठीक है, पर मेथड वही रहेगा जो मैंने बताया, उसको नहीं चेंज करना। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। चाइल्ड रिवॉल्व अ स्टोन ऑफ मास 0.5 केजी टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का मतलब 0.40 मीटर इन अ वर्टिकल सर्कल। स्पीड ऑफ द स्टोन एट द लोएस्ट पॉइंट इज 3। उसने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये मिनिमम स्पीड है, उसने कहा स्पीड है। अब स्पीड तो कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो स्पीड इसमें 3 है। फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर अगर आपको टेंशन निकालनी है तो टेंशन कहाँ एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। और वेट नीचे की तरफ है तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। कितनी होगी? टी माइनस एम जी, क्योंकि नेट फोर्स सेंटर की तरफ अगर लेके आनी है तो टी बड़ा होगा, एम जी छोटा होगा। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो टी माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी तो आपको 3 पता ही है, सॉल्व करें, टेंशन की वैल्यू निकाल लें, आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो टेंशन निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेंगी जो मैंने आपको वर्टिकल सर्कल में सिखाई थी। ठीक है यहाँ तक? जैसे क्वेश्चन है कि अ स्टोन इज टाइड टू अ वेटलेस स्प्रिंग एंड रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस गिवन, व्हाट शुड बी दी मिनिमम, अब बोल रहा है वो मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, बस बिना देखे फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन चाहिए ही नहीं, अंडर रूट ऑफ जी आर, बात खत्म खत्म। और ऐसे सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? स्पीड एट दी लोएस्ट पॉइंट रूट 5 जी आर, कोई एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला ऑलरेडी जो डेरिवेशन की हुई है उसमें ऑलरेडी एनर्जी कंजर्वेशन लगी हुई है, तो आपको अब लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें भी लगी हुई है पर ऑलरेडी लग के आई हुई है। तो समझ में आ रहा है? जब वर्ड मिनिमम है फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलास हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? प्रॉब्लम तब है जब मिनिमम नहीं है, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वो फंसा लेगा आपको। मिनिमम कंपटीशन में तो मिनिमम नहीं बोलने वाला, पक्की बात है, और जगह बोलना बोले, क्यों बोलेगा? एनर्जी कंजर्वेशन साथ लगवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेलवे ब्रिज, एक रेलवे का ब्रिज है, तो ब्रिज के ऊपर से ट्रेन निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ अ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस गिवन, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड विद विच अ कार कैन क्रॉस द ब्रिज, एक कार ब्रिज को क्रॉस करेगी उसकी स्पीड क्या होगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वर्ड है तो अंडर रूट ऑफ जी आर लगाओ, बात खत्म हो गई, कुछ करना ही नहीं है फिर तो। जब वर्ड ही मिनिमम आ गया तो रूट जी आर ओके है, कर सकते हो। अब कई लोग मुझसे पूछ लेते हैं
कि सर ये नहीं समझ में आया, आप पत्थर घुमाते हो तो मैं समझ सकता हूँ रूट जी आर आंसर आपने डेरिवेशन से निकाला। गाड़ी के केस में जो टेंशन भी नहीं होती उसमें रूट जी आर कैसे आ जाता है, उसमें सेम फॉर्मूला अप्लाइड कैसे है? तो फिर सुनो, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो इसका वेट कहाँ ऐड करेगा? टूवर्ड्स सेंटर। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा? ऊपर। वेलोसिटी कहाँ होगी? इस तरफ, क्योंकि इट इज मूविंग इन अ सर्कल। तो नेट फोर्स कहाँ होगी? टूवर्ड्स सेंटर। बोलो कितनी होगी? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यही होगा। टेंशन की जगह एम क्या हो गया? एन हो गया ना, तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। उसने क्या बोला कि उसको ऐसे घुमाना है विदाउट लिविंग द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। देखो जब ये इस स्पीड पे घूम रहा होगा तो आपको ना फॉर एन इंस्टेंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे जैसे टेंशन जीरो की थी ना, तो नॉर्मल रिएक्शन को भी जीरो करना पड़ेगा। क्यों? वो याद करो, टेंशन जीरो करते थे तो ये इससे इक्वेट करके वी की वैल्यू क्या आती है? अंडर रूट ऑफ आर जी, सेम आंसर आएगा। क्योंकि जब कॉन्टैक्ट छोड़ देता है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है? जीरो। वो ये बोल रहा है कि वो लिमिटिंग केस पे काम करो। लिमिटिंग केस क्या होता है? कि जैसे बॉडी मूव कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, तो आगे की और पीछे की फोर्स बराबर, ये वही केस है। तो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल ना मात्र करते हुए, निग्लेक्ट करते हुए आपके पास जो वेलोसिटी आएगी इसका आंसर होगा। हाँ, ये जस्ट मूव वाला ही है, सेम है, बिल्कुल सही, जस्ट मूव वाला कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे ही कुछ है। चलो वैसे अगर पूछे तो मतलब ये क्वेश्चन बनते हैं आपसे, आपको जरूरत ही नहीं है, आपसे तो सिंपली वो क्या करेगा, आपसे तो वैल्यू आपको मिनिमम दे तो रहा है, आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ, बात ही खत्म। स्कूल के अंदर से फॉर्मूला ही लगाना है, आपने दिखाना थोड़ी ना। तो आपको आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि घर जाके कुछ सोचे ना कि कैसे आया फॉर्मूला इसके लिए। तो ऐसा कुछ बनता है, ये देखो एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन में कौन करके दिखाएगा? एक एरोप्लेन है, वो ना घूमना चाहता है, लूप बनाना चाहता है, गोल घूमेगा, गोल घूमना चाहता है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लूप बनाना चाहता है, बहुत बड़ा सर्कल बनाना चाहता है, और वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन लोएस्ट पॉइंट पर 50 है। तो कितना बड़ा चक्कर काट सकता है ये बताओ। देखो दो तरीके हैं, अगर उसने 50 की वेलोसिटी से चला और चक्कर बड़ा नहीं बनाया फिर तो वो कई चक्कर काट सकता है। तो इसका मतलब उसके पास सफिशिएंट वेलोसिटी थी, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी थी कई चक्कर काटने के लिए। पर अगर वो बहुत बड़ा लूप बनाना चाहता है कि उससे बड़ा वो बना नहीं पाएगा, इसका मतलब 50 उसकी मिनिमम वेलोसिटी मानी जाएगी, तभी वो एक बड़ा चक्कर काट पाएगा। ये बहुत बड़े चक्कर में तो वेलोसिटी सफिशिएंट रहेगी नहीं ना, कमी पड़ जाएगी। तो 50 के साथ जो एक मिनिमम चक्कर कट सकता है वो निकाल दो। 50 के साथ मिनिमम चक्कर का मतलब लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? अंडर रूट ऑफ 5gr। तो मैक्सिमम बड़ा चक्कर कट जाएगा, क्योंकि चक्कर तो एक ही काटना है, इस वेलोसिटी से वैसे भी एक चक्कर कट सकता है, तो एक बड़ा चक्कर कट गया। और रेडियस आर, इसको इक्वेट करके स्क्वेयरिंग करके आर की वैल्यू आंसर। तो समझ में आ रहा है यहां सर? बोलो सर, फिर जो रेडियस आएगा वो मैक्सिमम होगा ना? हाँ, ये मैक्सिमम रेडियस है, बिल्कुल वही तो पूछा उसने, मैक्सिमम रेडियस क्या है इसका। बिल्कुल ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक, नेक्स्ट। ऐसा क्यों हुआ तुम्हें? ऐसा है ना, 50 की वेलोसिटी से आपने एरोप्लेन को फेंक गया, अगर ये कई चक्कर काट गया तो ये मिनिमम वेलोसिटी कैसे हो सकती है? बहुत वेलोसिटी है तो चक्कर काटे जा रहे हैं। और अगर उसने एक ही चक्कर काटा बस, उसके बाद का 50 के साथ में एक ही चक्कर काट सकता हूँ, तो रेडियस तो फिर मैक्स ही काटेगा ना, बहुत बड़ा रेडियस काट गया 50 से एक ही चक्कर, तो आर तो फिर बड़ा ही बनेगा। सिक्स्थ, तो क्या क्वेश्चन है? वेटलेस थ्रेड कैन बियर अ टेंशन अप टू 3.7 केजी वेट। केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करो, 9.8 से 10 से मल्टीप्लाई करके, तो इतने न्यूटन की टेंशन है।
इतने न्यूटन टेंशन बेयर कर सकता है, सह सकता है, इसके बाद रस्सी टूट जाएगी। मैक्सिमम टेंशन है ये टी मैक्स है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर, ये क्या है, टी मैक्स है, ये टी मैक्स है। जब ये वर्ड टी मैक्स बोलता है ना और वर्टिकल सर्कल है, मेरे को तो एक ही ख्याल आता है कि ये बॉडी इसका मतलब कहाँ पर है, एट लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे ही टेंशन सबसे ज़्यादा होती है। तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है कि पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल 100% लोएस्ट पॉइंट पे है। कोई डाउट इसमें? हाँ, वो मैंने गलत किया यार, ये 0.5 kg है, राइट, 0.5 kg होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये बॉडी कहाँ पर है, एट लोएस्ट पॉइंट है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि टेंशन क्या है, मैक्स है, और जब टेंशन मिनिमम हो तो पॉइंट कहाँ पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू मैक्स है, तो पॉइंट बॉडी लोएस्ट पॉइंट पे। आगे, 4 meter रेडियस पे घूम रही है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, तो मैक्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आप मुझे इस क्वेश्चन में v निकाल दें, तो मैं v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा करके ओमेगा निकाल लूँगा आंसर, सही है? अगर आप मुझे v बता दें तो मैं ओमेगा निकाल लूँगा। या दूसरा तरीका जो मैंने यूज़ किया, मेरा क्वेश्चन है तो लोएस्ट पॉइंट पे ना, लोएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग की इक्वेशन बनती क्या है, टी मैक्स और एम जी, और सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ करती है, टुवर्ड सेंटर, तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी मैक्स माइनस एम जी। नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ टी मैक्स माइनस एम जी एम वी स्क्वायर बाई आर, मैंने इस बार क्योंकि ओमेगा निकालना है मैंने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो अब मेरे को वो वी इक्वल टू आर ओमेगा लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा ही एक बारी में ओमेगा आ जाएगा। आपकी मर्जी है, तुम अगर यहाँ एम वी स्क्वायर बाई आर निकालते हो तो तुम्हें यहाँ वी निकालना पड़ेगा पहले, फिर वी इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा निकालना पड़ेगा, पर मैं दो स्टेप नहीं करना चाहता, तो मैंने सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला ही क्या यूज़ कर लिया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब टी अगर मैक्स है तो ओमेगा भी मैक्स आएगा, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें, आंसर निकाल लें, और मास जहाँ पर गिवन है वहाँ 0.5 kg कर लें, करेक्शन कर लें, 0.5 और 0 चेक करें, आंसर 480 ms ही आ रहा है, हमने देख के लिखा था, और कौन सॉल्व करेगा ओमेगा, ठीक है? तो मास जो है वो गलत कर दिया, कहीं ना सोचना कि ये क्या हो गया, मैंने कहा आखिरी क्वेश्चन है कि फटाफट चलो लिख देते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक करना कैसे है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इक्वेशन क्या लगेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।